उत्तर प्रदेश के आगरा के रसिया के क्रीमिया यूनिवर्सिटी के MBBS की छात्रा कुमारी अमीषा राज सक्सेना अपने घर अवधपुरी सकुशल लौट आईं। आपको बता दें 24 फरवरी यूक्रेन और रसिया युद्ध शुरू होने से छात्र दहशत में थे। रसिया का क्रीमिया शहर यूक्रेन बॉर्डर के पास स्थित है। जब फाइटर जेट हॉस्टल के ऊपर से गुजरते थे तो हॉस्टल में पढ़ने वाले स्टूडेंट दहशत में आ जाते थे। 26 फरवरी को फोर्थ ईयर MBBA स्टूडेंट अमीषा राज सक्सेना अपने घर के लिए निकली, लेकिन फ्लाइट न होने के कारण उन्होंने ट्रेन से मास्को का टिकट कराया। जब मास्को पहुंची तो फ्लाइट न होने के कारण एक दिन मास्को में रुकना पड़ा। उसके बाद मास्को से दुबई कनेक्टेड फ्लाइट के द्वारा दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। मेरा नाम अमीषा राज सक्सेना है, मैं रशिया से आई हूँ। क्रीमियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में फोर्थ ईयर स्टूडेंट हूँ और सिचुएशंस वहाँ की कुछ खास अच्छी नहीं है। सुबह शाम जब फाइटर जेट्स जाते हैं तो हम लोग को भी बहुत पैनिक हो जाते हैं हम लोग की, कभी भी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो हमारा बस यही था कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल लें। 24 को शुरू हुआ था वॉर और 26 को हम लोग वहाँ से निकल लिए थे। एयरपोर्ट्स हमारे बंद कर दिए गए थे तो वाई ट्रेन हम लोग आए। 32 आवर्स हमको लगे मॉस्को तक आने में। हम जब निकले तो हमें पता नहीं था कि हम आगे की जर्नी कैसे इंडिया तक पहुँचेंगे। हमारा बस ये था कि एक बार क्रीमिया से निकल जाए क्योंकि वो बॉर्डर पे है एकदम। तो वहाँ से निकले फिर हम लोग मॉस्को आए। मॉस्को में फ़्लाइट्स ढूंढी तो कोई फ़्लाइट नहीं मिल रही थी, डायरेक्ट सब कैंसिल हुई जा रही थी। एक दिन हम लोग मॉस्को में रहे, खाने पीने को कुछ नहीं था। वो थोड़े रशियंस ने हेल्प कर दी तो हम लोग ने ऐसे खा पी लिया। हम पैसे बचा रहे थे कि हाँ स्टे करना पड़ा अगर मॉस्को में तो रेंट के लिए रखें होटल के लिए। फिर हम लोग को दूसरे दिन तीसरे दिन की फ़्लाइट मिली जो कि वाया दुबई मिली थी, डायरेक्ट कोई फ़्लाइट नहीं मिली। फिर हम शारजहाँ आए, शारजहाँ से फिर इंडिया आए। तो बहुत ऐसे स्ट्रगल किया। और क्रीमिया को रशिया से जो ज्वाइन करता है वो एक ब्रिज है, वो भी बंद हो गया है। तो वहाँ पे बच्चे थोड़ा टेंशन में हैं कि क्या करेंगे आगे, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है निकलने का क्योंकि ब्लैक सी पे है वो, चारों तरफ पानी है, बस एक ब्रिज से कनेक्टेड है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।